हम लोग बहुत वेरी हैप्पी दैट आज हमने सेचुआ में ओम्पी में ये फाउंडेशन स्टोन ले किया है फॉर अ कोल्ड स्टोरेज. ओम्पी आप लोग सब जानते हैं कि इज द फूड यहाँ का फूड बास्केट है ऑफ एंटायर त्रिपुरा. और अगर यहाँ में हमने अच्छे तरीके से कोल्ड स्टोरेज किया तो इट विल हेल्प इन द प्रिजर्वेशन ऑफ वेजिटेबल्स अदर पेरिशेबल मीट आइटम्स. और इसी के लिए हमने यहाँ में फाउंडेशन स्टोन लगाया है और हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ में एक अच्छा सा कोल्ड स्टोरेज हो जाए. फंड्स का इंतज़ाम हम लोग ने कर दिया है अपने तरीके से. और ये ओरिजिनली ओम्पी में नहीं होने का बात था, कहीं और में होने का बात था, लेकिन हमारा TTADC ने एक कलेक्टिव डिसीजन लिया है. हमारा काम है TTADC को डेवलप करना, ना कि सिर्फ शहर को डेवलप करना. इसी के लिए हमने ये डिसीजन लिया. माई MDC वो जो सौदागर कॉलेज यहाँ बैठे, उन्होंने बहुत कॉपरेट किया ज़मीन आइडेंटिफाई करने के लिए. और अब मैं आशा करता हूँ कि जब तक त्रिपुरा का जो गांव है उसको हम डेवलप नहीं करेंगे तब तक त्रिपुरा आगे नहीं बढ़ेगा, हमारा त्रिपुरा साथ आगे नहीं बढ़ेगा. इसी के लिए ये आज फाउंडेशन स्टोन किया गया है. इसके बाद वी विल बी कमिंग अगेन इन चेकिंग कि देखना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इसका शुरुआत भी. मुखोद्रा ADC मिलने से बहुत साल हुआ है, अभी 30 साल से ज़्यादा हो गया है, लेकिन ADC का हेड क्वार्टर में कोई फूड गोडाउन भी नहीं, कॉमन स्पेस एक भी नहीं करेंगे. नहीं, आपका बहुत अच्छा है, ये मेरा दिल का बात आपने पूछा है. जब तक हमारा होलसेल मार्केट नहीं होगा तो हमारा तिपरासा गोल्ड बाजार में जाकर उनको एक्सप्लॉइट किया ही जाएगा. मैं चाहता हूँ जिस एनिमेश हमारे WCA ने कहा है कि अगर हमें थोड़ा सा फंड्स का एडिशनल फंड उसमें दिया जाए तो हम अपना ही होलसेल मार्केट करना चाहते हैं कि कोई भी तिपरासा खुमुलुंग में आके अपना होलसेल करे, ना कि उनको गोल्ड बाजार में जाकर एक्सप्लॉइट किया जाए. ये मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मोदी जी बोलते हैं आत्मनिर्भर इंडिया, हमको आत्मनिर्भर ADC बनना है. और आप हम लोगों को अगर सौतेला बच्चा ऐसा रखेंगे और हम लोगों को हेल्प नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेगा. इसी के लिए हमने डिमांड भी किया है कि एक होलसेल मार्केट होना चाहिए, मार्केट प्लेस होना चाहिए, नॉट ओनली इन खुमुलुंग, ओम्पी में होना चाहिए, अम्बासा में होना चाहिए, हमारा रामचंद्र घाट में होना चाहिए, आश्रमबाड़ी में होना चाहिए, कंचनपुर में होना चाहिए, सबरूम मोनू में होना चाहिए. सिर्फ खुमुलुंग को डेवलप करने से पूरा त्रिपुरा डेवलप नहीं होगा, लेकिन शुरुआत हम लोग खुमुलुंग से कर सकते हैं. लेकिन उसके लिए फंड्स का दरकार है. और जो अभी तक बजट पास हुआ है कि 1300 करोड़ कुछ हम लोग को दिया जा रहा है, अभी तक कागज़ में हमको एक कागज़ भी नहीं मिला है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा कि वो पैसा कौन से डिपार्टमेंट को जा रहा है, या वो पैसा हमारे पास आ रहा है या मिनिस्टर मेवा कुमार जमातिया के ऑफिस में जा रहा है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ADC नहीं है. तो ये बात उनको क्लियर करना चाहिए. और जहाँ तक मैंने सुना है मीडिया से, आप ही के मीडिया से, कि ये पैसा स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, ये पैसा उधार में दिया जा रहा है, लोन में दिया जा रहा है, तो उसका रीपेमेंट क्या होगा, काम क्या होगा, एक कागज़ अगर ऑफिशियली हमको मिल जाए तभी हम देख सकते हैं कि हम अपना प्लानिंग कैसे करें. ये प्रोजेक्ट अभी उसमें कितना एस्टिमेट कॉस्ट कितना करते हैं? 1 crore 17 lakhs 1 crore 17 lakh इसमें है. और ये कोल्ड स्टोरेज सिर्फ यहाँ में नहीं, टाकरजला में भी एक हो रहा है. एंड और एक एंड नो 25 मोर विल और 25 आ रहे हैं. तो ये क्या है, लेकिन ये प्रोजेक्ट 1 crore 17 lakh में है. और मैं चाहता हूँ कि शुरू हो, क्योंकि यू नो हमारा जो तिपरासा जो किसान है, जो विलेजर है, वो अपना सामान को भेजते भेजते मार्केट तक सब सामान खराब हो जाता है, पेरिशेबल आइटम. कोल्ड स्टोरेज रहने से हम लोग अपना सामान को प्रिजर्व भी करते हैं.